नमस्कार, मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। रविवार को मेहता पेट्रोल पंप परिसर में आम आदमी पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं सीहोर जिला चुनाव प्रभारी पर्यवेक्षक मिनहास आलम खान ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया तथा आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चयन एवं दस्तावेज करे हेतु चुनाव प्रबंधन समिति घोषित की गई, जिसमें मिनहास आलम खान, सीहोर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मेहता, ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह दांगी, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश नागर, युवा विंग जिला अध्यक्ष राजेश मालवीय, किसान संघ जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह, बुधनी से विमलेश आरबी, आष्टा से ओंकार सिंह बामड़िया को चुनाव समिति में लिया गया। इस अवसर पर श्री खान ने पार्टी द्वारा बनाए गए प्रारूप में प्रत्याशियों को आवेदन लेने तथा प्रदेश के आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और प्रदेश की जनता को बेहतर विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारी सभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भोपाल में वरिष्ठ आप नेता फहीम कुरैशी, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राठौर, एचपी मल्होत्रा, रामचंद्र कोठिया, गेंद्राव कोसे, परमानंद चौहान, विष्णु सेन इछावर, विधानसभा प्रभारी राकेश धाकड़, रियाज खान, जगदीश मेवाड़ा, आष्टा से लखन सिंह राजपूत, मोहम्मद वसीम, मुकेश मेवाड़ा, मुबारक मंसूरी, डीपी तोमर, संतोष वर्मा, बुधनी से विमलेश आरवी एवं साथी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। गांधी जी ने दोराहा में रखी थी, लेकिन प्रदेश से कोई भी साथी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि आने वाले थे, लास्ट टाइम तक भी वो आ ही रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। तो हमारा खासतौर से सीहोर जिले का ये दुर्भाग्य है खान साहब, कि जिस दिन जिले की इकाई की घोषणा हुई उस दिन आस्था के साथी, मसूला के साथी, बुधनी के साथी, सीहोर के भी साथी, मतलब सभी विकास खंडों के दो दो एक एक तीन तीन ऐसे साथी यहाँ थे। तो हम सब ने ऐसा तय भी किया था कि हम इन साथियों को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। पार्टी ने पैसा या कोई निर्धारित किया है क्या? कैसा पैसा? जैसे कोई उम्मीदवार फॉर्म खरीद के भरता है उसके लिए कोई पैसे का? ये फॉर्म निःशुल्क है, ये फॉर्म निःशुल्क है। जिले की हमारी जो टीम है, जो यहाँ की समिति जो मैं गठित कर रहा हूँ, वो टीम के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो भी आदमी चाहे वो उसको ले सकता है, ये निःशुल्क फॉर्म। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।